दिल शेर नाम क्या बताया था आपने? अजी नाम दिलबर है जी, दिलबर। और गली मोहल्ले वाले प्यार से मुझे दिलबर दिलवाला कहते हैं जी। लेकिन सच्ची बात है हाजरा जी, जब से आपको देखा है ना, इस दिलबर दिलवाले का दिल आ गया जी आप पर। मैं भी सच ही कहती हूँ, दिलशेर का गुस्सा ना बहुत तेज, हट्टे कट्टे बंदे को 2 मिनट में बंदर बना देता है। और तुम तो दिलबर हो, दिलवाले। और जी वो दिन चले गए जब मैं पिटा करता था। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना, डब में चाकू लगा के रखता हूँ मैं। अब नहीं डरता मैं किसी दिलशेर विलशेर से, जाके बता देना उसको। हाँ यानी डब में चाकू ना हो तो डर जाओ? और जी छड़ो जी। हाँ खत ना फेंका करो, सुबह अब्बा जी घर पे होते हैं और शाम में दिलशेर। अच्छा जी, मतलब 10 से 11 बजे के बीच में आप अकेली होती हो घर पे, हैं? हैं जी, सही कहा ना? आ ओए होए 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 होए, शर्म आ गई भोली लड़की। क्या बात है चौधरी साहब, आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपको टिकट मिल गया है। किस्मत हमेशा मुझ पर मेहरबान रही है मेरनिसा। ओ मैंने जब जब जो जो चाह वो मिल गया मुझे। और चौधरी रियासत अली को पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। कीमत अदा करनी पड़ी होगी आपको इसकी, वरना एक नए कैंडिडेट को टिकट मिलने पर पार्टी के पुराने वर्कर्स काफी इश्यू क्रिएट करते हैं। करना पड़ता है बेगम साहिबा, वो पार्टी फंड के नाम पर ढेरों पैसा देना पड़ता है, तब जाके पार्टी अपना ठप्पा लगाती है। और हमारे साहबजादा जो आशिकी में कमर्शियल जमीनें लुटाता जा रहा है, वो खसारा भी तो पूरा करना है। आपको हल्का कौन सा मिला? आपके ज्यादा वोटर्स तो अबाई शहर की साइड पर है ना? वो हल्का मिला है अंदरून शहर का, वो इलाका जहां
हाकिम पहलवान रहता है। चौधरी साहब, आप बार बार उन पहलवानों से क्यों उलझते हैं? भूल क्यों नहीं जाते आप उन्हें? बस कर दें। मैं तुझे किस्सा सुनाऊं मैरन निसा। उस शहर के बस स्टैंड पर जो है गाड़ी लगने की वजह से वो किसी ने अब्बाजी मरूम को जो है वो फिटे मुंह कह दिया था। और जब अस्पताल में अब्बाजी बीमार थे, वो बड़ी तकलीफ में थे, तो मुझे पास बुलाकर कहा, रियासत अली, उस बस स्टैंड वाले को ढूंढ कर ला। मैं जब तक उसे जवाबन फिटे मुंह ना कहूं, वो मेरी रूह कब्ज नहीं होगी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो कश्मीर, आजाद कश्मीर, अपने भाई के पास शिफ्ट हो चुका था। वो वहां से ला कर अब्बाजी के हजूर पेश किया है। मुझे भी पहलवानी का बड़ा शौक था मैरन निसा। ऊपर सारे लोग कहते थे कि रियासत अली, वो तेरा जुस्सा जो है वो पहलवानों वाला नहीं है। मन्या तर मन्या पहलवान था हाकम अली। मेले की हर लड़ाई में जो है जीत उसी का ही मुकद्दर थी। मैंने कहा मैं इसे हराऊंगा। बड़ी मेहनत की थी मैंने, मगर इस हाकम ने आसपास के गांव के हजारों लोगों के सामने और मेले के अखाड़े में मुझे पछाड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन, मैंने कभी कमीज नहीं उतारी है। वो अच्छे भले चौधरी को जनानी बना दिया उसने। तुम जो है ना अटैकिंग पोजीशन पे रहोगे, सिर्फ पंचिंग है, और आप इसके साथ मिलके डिफेंस, डिफेंस के साथ पंच और नीचे से किक, ठीक है? मेक श्योर दैट यू गाइस वर्क टू दिलशेर, आई विल कैच यू गाइस। आज फिर उसम से लड़कर आ रहे हो, तो क्यों कर रहे हो अपने साथ ये सब? जुमा जुमा 8 दिन हुए तुम रिंग में आए, और वो पिछले 4 साल से चैंपियन है। देखो टैलेंट है तुम में, मगर तुम्हारा अभी स्टार्ट है। कहीं कोई हड्डी मड्डी टूट गई ना, तो स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाएगा। परेशान नहीं हो कोच आप, हड्डी वड्डी टूटने से शेर नहीं रुकता। अजीब यार, हमेशा तुम ऐसे ही करते रहते हो। ओ यार, कहाँ थे तुम आज? इतने मजे की फाइट तुमने मिस कर दी है। क्या मारा रुस्तम ने दिलशेर को? ओ वाकई, क्या इतनी अच्छी फाइट मिस कर दी मैंने? बट यार, दिलशेर न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है, रोजाना रुस्तम से मार खाता है और फिर अगले दिन उसी से फाइट करने चला जाता है। ब्रो, मुझे तो दिलशेर को देख के एक अजीब सा खौफ आता है। ना उसका कोई फ्रेंड है, ना वो किसी से बात करता है, हंसता तो बिल्कुल भी नहीं है। रिंग में भी इतनी मार खाई लेकिन उफ तक नहीं की। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बट मैंने सुना है कि दिलशेर की बहन को डेट कर रहा था, 4 दिन उसके साथ गुजार कर एंगेजमेंट सितारा से कर ली। अच्छा, तो ये बात है जी।
ब्रो, मुझे तो दिलशेर को देख के एक अजीब सा खौफ आता है। ना उसका कोई फ्रेंड है, ना वो किसी से बात करता है। हंसता तो बिल्कुल भी नहीं है। रिंग में भी इतनी मार खाई लेकिन उफ तक नहीं की। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मंगनी किया उसके साथ, शादी भी करो, अच्छा वक्त गुजारो। ऐसे भी उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। सड़क पे खड़े रेडी वालों को मेहमान नवाजी की तालीम देते हो, और कोई खुद तुमसे मिलने आए तो उससे बात तक नहीं करते। क्या बात है? तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया ना तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी, मैं अपनी अम्मी के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आई, तुमसे ये कहने के लिए कि ये लड़ाई अब खत्म करो। फिलहाल तो मेरी फाइट है, चलता हूँ। अरे मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ रुस्तम की तरफ से। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब तक मैं हूं ना, ये लड़ाई लड़ूंगा मैं। देखो इस उम्र में ऐसी चीजें हो जाती हैं। क्यों इतनी सी बात को इतना लंबा कर रहे हो? और फिर तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं है कि तुम्हारे सामने रुस्तम की असलियत खुल गई है, रेशमा की जिंदगी बच गई है, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बात सुनो सितारा, तुम्हें ना कुछ पता नहीं है। अच्छा ही होगा तुम इस सारे झमेले से दूर ही रहो। दरख्वास्त है मेरी। क्या नहीं जानती मैं? क्या नहीं जानती बताओ मुझे दिलशेर। जी जाने ही वाले, दिलबर को अब तक तो खत फेंक देना चाहिए। एक दफा ये लेटर अब्बा जी के हाथ में आ जाए तो रेशमा का फलसफा धरा का धरा रह जाएगा। और दिलशेर वापस से अपने तरीकों पर आ जाएगा। आजरा, ओ आजरा पुत्र। जी अब्बा जी। पुत्र तू कह रही थी कि तूने बावर्ची खाने के लिए कुछ चीजें मंगवानी है, तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूँ ले आऊं। जी अब्बा जी, आप नीचे जाए, मैं लिस्ट बनाकर लेकर आ रही हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाना। जी अब्बा जी। एक लव लेटर नहीं फेंक सकता, बड़ा दिल वाला बना फिरता है। ओ हाजरा, ओ भाई मैं जल्दी में हूं, मैंने जरा काम जाना है। तू आराम से लिस्ट बना ले, मैं वापस आता हूं तो जाके चीजें ले आएंगे। और नीचे आ, दरवाजा बंद कर आके। ठीक है अब्बा जी। आ जा। आज तो मैं मुझे पिक करने का ख्याल कैसे आ गया? मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लूं और ये बात भी क्लियर कर लूं बात करके कि मेरा रेशमा में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी जिंदगी में हमेशा से तुम। ओके। ये क्या तुमने रिंग उतार दी और मेरे नाम का टैटू भी रिमूव करवा दियो? क्या फर्क पड़ता है, मंगेतर तो हूं ना तुम्हारी, और टैटू का भी क्या है, फिर बन जाएगा। नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें रिंग नहीं उतारनी चाहिए थी। ये देखो मैंने पहनी हुई है ना, मैंने तो नहीं उतारी। रुस्तम,
रिश्ते इन रस्म के मोहताज नहीं होते, ये रिंग से नहीं दिल से जुड़ते। ओके, ये लो। Are you mad? रिंग क्यों फेंक दी? तुमने कहा ना, रिश्ते इन चीजों के मोहताज नहीं होते, तो फेंक दी। एंगेजमेंट रिंग फेंकते नहीं, एंगेजमेंट तोड़ने के काम आती है। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे सुना है जब कोई आपका हाल पूछे तो बदले में उसका हाल पूछ लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? अच्छी भली तो हंसती मुस्कुराती लाइफ एंजॉय कर रही हो। अगर इस तरह हर वक्त मुझसे सार्कास्टिक होती रहोगी तो दोस्ती कैसे होगी? दोस्ती, और वो भी तुमसे? मैं अपनी औकात से बाहर की दोस्ती का मजा चख चुकी हूँ, अब दोबारा ये हमाकत नहीं करूँगी। वैसे शायर कहते हैं कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ अच्छे रिश्ते पाने के लिए चांस ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सुबह तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा था कि तुम खत लिखकर फेंकोगे, लेकिन तुम तो सिर्फ बातें करते हो, ना दिलबर हो और ना ही दिलवाले। हाजरा जी, क्या बताऊं जी, और जी लव लेटर के चक्कर में बड़े ही जूते पड़े हैं जी मुझे। जूते पड़े? किसी ने खत तो नहीं पकड़ लिया? और जी खत नहीं पकड़ा गया था जी, और जी मैं पकड़ा गया था। तुम पकड़े गए? बात क्या है, सही सही बताओ। और जी हाजरा जी, मैंने सोचा जी पहला पहला मोहब्बत नाम है अपने हून से लिखता हूँ जी, और जी मैं सिरिंज लेकर आया हून निकालने के लिए, मोहल्ले वालों ने नशाई समझ के बहुत ही जूते मारे हैं जी। खत तो खत होता है ना, चाहे खून से लिखो या किसी नीली पीली स्याही से, खून खुश्क होके स्याही ही बन जाता है। और ये क्या मेरा पहला पहला मोहब्बत नामा, ये हरकत तुम पहले भी कर चुके हो ना? हाजरा जी, वो तो मैंने अपने दिल के धड़कने पे लिखा था, ये तो मैं आपके इशारे पे लिख रहा हूँ जी। तुम मारते रहो डायलॉग, मैं तो जा रही हूँ। ओ हाजरा जी सुने तो। क्या है? ओ जी एक मिनट जी। मुच्छी सिर्फ चौधरी रियासत का। सलमान खालू और चौधरी रियासत अली, यानी कि मैं चौधरी रियासत अली, यानी कि मैं सब जानता हूँ कि आप सब बहुत बहुत मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सबकी बहुत ही परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या उन परेशानियों का जो है वो आप किसी भी नुमाइंदे ने नहीं किया। मैं जानता हूँ, मैं सियासत में आया हूँ कि आपकी खिदमत कर सकूँ,
ओ मुझे किसी से कोई लालच नहीं। क्या वो क्या लिख दिया इसने ये? कोई ला चलो पागल बना लेंगे। ओ कोई लालच नहीं है हमें, कुछ नहीं चाहे। क्या है? मेरे पॉलिटिकल कैरियर का पहला जलसा है। अब रट्टा तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई बच्चा इम्तिहानी कमरे में पहली दफा जा रहा हो। इतने लोगों के सामने मैंने कभी वो तकरीर की नहीं है। और फिर ये है भी लॉर्ड शहर, वो अपना गांव होता तो और बात थी। अब इसलिए थोड़ा वो जो है वो क्या कहते हैं क्या हो रहा हूँ, नर्वस। हाँ नर्वस। वैसे आपका जलसा है किस इलाके में? हाकम की गली में। बस कर दें चौधरी साहब, मुझे आपको दोबारा हवा क्यों दे रहे हैं? कभी कभी ये गहरे जख्म इतनी तकलीफ नहीं देते जितनी ये छोटी मोटी खराशें तकलीफ दे जाती हैं। ये छेड़छाड़ छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम पहलवान का पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाए। मैं टीवी पर भी आऊंगा और न्यूज चैनल लगा लेना। क्या हो गया अब्बा जी? तू नहीं जानता क्या हुआ चौधरी, हमारे हलके से इलेक्शन लड़ रहा है, बाहर गली में जलसा होने वाला है उसका। कुर्सियां लगी हैं, कनाते लगी हैं, पोस्टर बैनर, लोग बैठे हैं, तालियां बजेंगी तालियां और आवाजें यहां तक आएंगी। इसमें नई बात कौन सी है? वहां गांव में भी तो इलेक्शन लड़ता था, वो नाजिम था हमारे इलाके का। ये शोर शराबा वहां पे भी होता था, हम वहां पे भी वोट नहीं देते थे, यहां पे भी नहीं देंगे। बस बस ये तेरे लिए बस होगा, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जानता तू भी है, तू भी जानता है कि वो यहां से इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। वो जीत के हमारे सर पे मुसल्लत होना चाहता है, हमारी तकलीफ को बढ़ाना चाहता है वो। बजी चलो आप आराम करो, छोड़ो इस मसले। तू जा यहां से, तू जा, जा तू। देख लिया आपने अब्बा जी, रेशमा की पढ़ाई का असर हो रहा है दिलशेर पे, अपनी गैरत ही भूल गया है। बाप को अपने बेटे की मौत तो याद है, लेकिन एक भाई को अपना भाई ही याद नहीं है। और ये सारा किया धराना आपकी लाडली बेटी रेशमा का है, वरना हमारा दिलशेर इतना बुज़दिल और इतना बेगैरत कभी नहीं था। हम आपको अपने इलाके में खुश आमदीद कहते हैं। मुझे तुम्हारा ये बदलाव अच्छा लगा लड़के, यूनिवर्सिटी जाकर समझदार हो गए हो, वेरी गुड।
एक तो फोटो आपने ली थी, अब एक मैं लूंगा। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्या बात है, नानी आदाब, चौधरी साहब ये क्या हो गया, बल्कि क्या से क्या हो गया। चले कार, चले कार, चले प्लीज। Oh God. क्या हो गया, what's so funny? डैड, आपने पोज देखी है? दिखाओ। इतनी फनी पोज है। तुम जानती हो ना कि रियासत साहब तुम्हारे होने वाले ससुर। This is so wrong on so many levels. डैड, तो मेरी क्या गलती है? आपने देखा कभी किसी को अपने ही जलसे में इस तरह के इस्तकबाल होते हुए? God. मुझे नहीं पता था मेरे होने वाले ससुर इतने फनी होंगे। आपको पता है इस पे मीम्स बन रहे हैं। इस मुल्क में मीम्स बनाने के अलावा और लोगों को काम ही क्या है। डैड, चेहरा साफ कर ले अपना। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? डैड प्लीज। नानी आदाब, रुस्तम साहब, सैकड़ों लोग वहां जमा थे, देखे तो सही क्या हुलिया बिगाड़ के रख दिया उस गली के लौंडे लपाड़े ने चौधरी साहब का। चौधरी साहब, वैसे एक बात है, टॉप 10 में जा रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, माशाल्लाह। कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। आखिर हो गए ना बेइज्जत। मॉम, डैड प्लीज चेहरा साफ कर लीजिए, नॉर्मल हो जाइए। डैड, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप ये कालक साफ करें। जलसा जो है उसी गली में होगा, और वो भी अभी इसी वक्त, और इस मूल के साथ। अब मैं टीवी पर जरूर आऊंगा, लगाओ न्यूज चैनल। मुनीर जी, चौधरी साहब। चाल डैड, डैड प्लीज, आप अपना और तमाशा मत बनाइए। डैड प्लीज, मेरी बात सुनो। डैड 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 प्लीज स्टॉप। मॉम प्लीज, चौधरी साहब प्लीज, सुन क्यों नहीं रहे आप? अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने शरारत की हमसे, गुस्सा आया हमें, बहुत ज्यादा आया। दिल चाहा उसे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन फिर सोचा इन बच्चों का ये गुस्सा जायज है। आजकल के सियासतदान ऐसे, वो ऐसे स्याह चेहरे वाले ही तो हैं
बेईमान, झूठे और करप्ट हैं। और लेकिन अब हम आ गए हैं और हम सियासत के चेहरे से इस कालक को साफ करेंगे। हम सियासत का उजला और रोशन चेहरा सामने लाएंगे आपके। रियासत तेरे जानिसार, रियासत तेरे जानिसार, रियासत तेरे नारे, 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 रियासत तो हमारी तवक्कात से ज़्यादा तेज़ निकला। आई थिंक चौधरी को टिकट देके गलती नहीं की, सीट निकाल लेगा वो। इतना यकीन? रियासत ना तजर्बेकार है, एक ही बार तो नाज़िम रह चुका है, वो भी छोटे शहर में, और ये लाहौर है, लाहौर, वो भी अंदरून। यहाँ तो बड़ों बड़ों से सीट नहीं निकलती। माना के ना तजर्बेकार सियासतदान है, एक्टिंग वो आपके सामने, ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा एक्टर अच्छा सियासतदान हो। सियासतदान के लिए अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। वो आप किस बात पे परेशान हो अब्बा जी? अब तो आपके मसले का हल कर दिया है। कल चौधरी रियासत के मुंह पे कालक मल दी थी, सही बेइज्जत होके गए हमारी गली से। तूने जो मार का मारना था मार लिया और खुद लंबी तान के सो गया। मुझे पता ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। तेरी मली हुई कालक को अपने चेहरे की चमक बना के निकला चौधरी, जलसा भी किया उसने, तालियां भी बजी, वाह वाह भी हुई, तेरे पटाखे उसकी बल्ले बल्ले में दब के रह गए कहीं। कहाँ जा रहे हो आप? नाश्ता तो करते जाओ। इस मोहल्ले में चार लोग इज्जत करते हैं मेरी, इलेक्शन में चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकता, उसके वोट तो तोड़ सकता हूँ ना भाई। दो चार वोट तोड़ने से क्या होगा? पहलवान आदमी हूं, 100% शिकस्त नजर आ रही हो, पर आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। क्या देखो, जिस तस्वीर पर कल तुम जोर जोर से हंस के पागल हो रही थी, आज फ्रंट पेज पे छपी हुई है। योर प्रॉस्पेक्ट फादर इन लॉ इज इन द हेडलाइंस। सक्सेसफुल वही होता है जो हार से हौसला नहीं हारता, बल्कि उसे अपनी जीत में बदल देता है। लक फेवर्स द ब्रेव। डैड, ये क्या आप हर वक्त तुम्हारे ससुर करते रहते हैं? जब होगी तब देखी जाएगी। फिलहाल वो मेरे लिए सिर्फ रियासत अंकल हैं और आपके बिजनेस पार्टनर। कल रात भी तुम इसी तरह की बातें कर रही थी, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? डैड, आपके कहने पे एंगेजमेंट कर लिया ना, अब और क्या करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने घर में होते हुए भी हर वक्त मैं ससुराल की बातें सुनती रहूं। तो प्लीज डैड, इसका मतलब है कि तुम अब भी दिलशेर से मिलती हो? डैड, आई थिंक मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। मेरा ऑफिस।
चल बोल। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तेरी कल वाली हरकत नहीं ये साबित करते तो सिर्फ नाम का शेर है। ललकार के शिकार करता हूं इसलिए शेर हूं। शेर और खाली पौंकता रह जाता है कुत्ता। मैं रात को अपना शिकार करके खा गया और तू रहा है खाली पौंक। चलो बता कौन शेर हुआ और कौन हुआ कुत्ता। दिल शेर क्योंकि मैं ग्रीन हूं।